देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के अंतर्गत बुद्धि परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही गजराज माइनिंग कंपनी के गेट पर आए हुए हैं। गजराज माइनिंग कंपनी के श्रमिक जो है गजराज कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज हड़ताल पर उतर गए हैं। चक्का बंद कर दिए हैं, गाड़ियां सभी बंद कर दिए हैं। इनकी विशेष बहुत सारी मांगे हैं। आइए, हमारे साथ जो है गजराज कंपनी के श्रमिक हैं और इंटेक के जो है महामंत्री खड़े हुए हैं वीरेंद्र बिष्ट जी। आइए हम इनसे मिलवाते हैं कि क्या समस्याओं को लेकर जो है आज आंदोलन पर उतरे हुए हैं। देखिए, गजराज माइनिंग द्वारा एरियर का भुगतान नहीं किया जाना, सबको जो है वेतन उनका काट देना, सीएमपीएफ, ये सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने बंद किया है। और गजराज माइनिंग का इतना शोषण बढ़ गया है कि आए दिन वर्करों को निकालना और रखना ये इनकी दिनचर्या बन चुकी है, इसलिए आज हम लोग इसको बंद कर दिए हैं और अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो है कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है जैसे कि एचपीसी वेजेज का पेमेंट जो है सितंबर माह 2018 में लागू हुआ था, जिसका डिफरेंस मनी जो एरियर कहते हैं जिसको, उसका भुगतान कंपनी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जो कि अन्य कंपनियों द्वारा कर दिया गया है। और जो है महामंत्री द्वारा बताया गया कि कंपनी द्वारा जो है 15 दिन ड्यूटी लिया जाता है, बाकी दिन ड्यूटी नहीं दिया जाता है, और जो ड्यूटी किए भी हैं उनमें से भी 2-4 दिन की कटौती कर लिया जाता है। हमारे साथ गजराज कंपनी के श्रमिक बने हुए हैं, आइए हम इनसे मिलवाते हैं कि इनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं। जी सर, मैं सुनील कुमार साकेत, मैं सर एरिया सर क्या बोलते हैं ड्यूटी से मैं निकाल दिया गया हूँ, मई से मेरे को निकाल दिया गया है। मेरा अभी तक पीएफ क्लियर नहीं हुआ है ना एरिया, और ना तो हम लोग को पेमेंट दिया गया था कि इस तक कुछ पेमेंट मिल जाए हम लोग वहाँ जीवन कर सके। और हम लोग वहाँ ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग यही बोला जाता है कि आप लोग का पीएफ जमा हो गया, लेकिन जमा नहीं हुआ है। देखिए, इनके द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि पीएफ का भी प्रॉब्लम है, माने कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन इसकी पीएफ कटौती हो रही है, लेकिन जमा कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। इनका बताना है जो मई महीने से इनको काम से भी निकाल दिया गया है, जबकि पीएफ का कोई हिसाब किताब नहीं है। सितंबर माह 2018 से बढ़े हुए एचपीसी वेजेज के पेमेंट का डिफरेंस मनी का भुगतान भी इनको नहीं किया गया है। हमारे साथ और श्रमिक बने हैं, आइए हम इनसे मुलाकात कराते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। जी सर, मैं अनुज कुमार सिंह पटेल बोल रहा हूँ, गजराज माइनिंग में वर्किंग करता हूँ सर। मैं ड्राइवर डंपर ऑपरेटर हूँ। हम लोगों के साथ कम से कम 400 वर्कर मिलके इस गजराज माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य करते हैं। हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है इस कंपनी के मालिक के द्वारा कि हम लोग कोई भी कार्यवाही, कोई भी किसी से कोई चीज बता नहीं पाते हैं। अपनी समस्या बताने के बाद हम कंपनी के द्वारा कंपनी के बाहर किए जाते हैं, और हमारी हम लोगों की किसी भी व्यक्ति की कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाती। हम लोग मजबूर हैं और मजदूर भी हैं सर, हम लोग क्या करें। किसी न किसी से कुछ न कुछ शोर सिफारिश लगा के अपना कुछ न कुछ सुनवाई करने के लिए अप्लाई किया हूं, और अपनी मांगे पूरी करने के लिए मैं यहां काम को रोका हूं। जब हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम इस काम को चालू कर देंगे। यही हम लोगों सब वर्करों की मांग है कि हमारी मांगे पूर करो। और हम सभी लोगों का 2 महीने से पेमेंट रोका गया है, एरियास की कोई बात नहीं है, पीएफ का कोई नंबर नहीं है। हम लोग वैसे बेगार में काम करते हैं, फ्री में हम लोगों को भगा दिया जाता है, कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। बोला जाता है कि नेता बनते हो, ऐसे हो वैसे हो और तुम्हें मारा जाएगा, ये धमकाते हैं सर, नहीं तो रिपोर्ट करके पुलिस बुलवा के हम लोगों को अरेस्ट किया कराया जाता है। यही सब धमकी देके सर हम लोग मजबूर हैं, मजदूर आदमी क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं सर, आपको भी सोचना है सर। हम लोग मजदूर हैं, काम करने के लिए टाइट हैं, काम करेंगे, लेकिन हम लोगों का हिसाब, हम लोगों का पैसा वहन किया जाए। आप देख सकते हैं इनके द्वारा भी बताया जा रहा है, कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब चाहे कंपनी हटा सकती है इनको, इनको न एरियर देगी न पीएफ का कोई हिसाब किताब। प्रशासन का भी दोष दिखाती है कंपनी की, अगर कुछ करोगे तो हम पुलिस बुला के आपको अरेस्ट करा देंगे, यानी पुलिस की धमकी देकर वर्कों के साथ शोषण किया जा रहा है कंपनी द्वारा।